सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा जिला कार्यालय पर मोदी सरकार की उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगाई। राजसमंद जिला मुख्यालय पर भाजपा कार्यालय पर सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा जिला कार्यालय पर मोदी सरकार की उपलब्धियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद दिया कुमारी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद दिया कुमारी ने कहा कि भाजपा का झंडा अब विश्वास और विकास का प्रतीक बन चुका है। बूथ स्टार पर झंडा और स्टिकर लगाने का अर्थ यह हुआ है कि अब घर घर में भाजपा का परचम पहुँच चुका है। तभी तो हम विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में जाने जाते हैं जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है। आम जनता ने मोदी सरकार की राष्ट्रवादी नीतियों को स्वीकार किया है और इसी का कारण मोदी जी के जन्मदिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान कार्यालय पर हुए कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह बारट, प्रदीप खत्री, पूर्व विधायक बंसीलाल खटीक सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता गण मौजूद थे। कि उनका विजन है, सोच है कि जन्मदिन उनका है, लेकिन वो सबको दे रहे हैं। और हमारे हम सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने ये कहा है कि किसी को मनाना नहीं है। ये तो हम लोग मना सकते थे, लोग जन्मदिन कैसे मनाते हैं, धूमधाम से मनाते, केक काटते, मिठाइयां बांटते, हम लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे। हम लोगों को ये आदेश दिए गए हैं, निर्देश दिया गया है कि आपको सबको जनता के बीच में जाके कोई भी श्रमदान से बदली लाखेला की तस्वीर। लोगों ने किया श्रमदान। करीब 20 दिन पहले कुंभलगढ़ एसडीएम जयपाल सिंह राठौड़ और तहसीलदार रणजीत सिंह चारण के शुरू किए गए निर्मल लाखेला अभियान कुंभलगढ़ आने वाले देश भर के टूरिस्ट के लिए एक नया डेस्टिनेशन के रूप में तैयार हुआ है। पहले दिन तालाब से एक जगह कचरा हटाने से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद एसडीएम ने इसको एक अभियान बनाते हुए लोगों को जोड़ा है। हर रोज़ इस डेस्टिनेशन पर अलग अलग डिपार्टमेंट के कर्मचारी और आमजन करीब 3 घंटे तक श्रमदान कर रहे हैं। 200 से ज़्यादा हर डिपार्टमेंट और आम नागरिकों ने मिलकर पूरे परिसर को साफ कर दिया है। एसडीएम जयपाल सिंह ने बताया कि पहले दिन तालाब की सफाई के बाद लगा कि देश भर से आने वाले टूरिस्ट के लिए यह एक नया डेस्टिनेशन होना चाहिए। इसको लेकर लाखेला तालाब पर सफाई की जा रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने श्रमदान किया। थोरिया गांव में हुआ गौरी विसर्जन। गजपुर पंचायत के थोरिया में समस्त ग्रामवासियों की ओर से आयोजित भील समुदाय का राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य गौरी मंचन पिछले सवा महीने से विभिन्न ग्रामीण अंचलों में चल रहा है। पौराणिक परंपरागत से विशाल शोभा यात्रा व प्रतिमा विसर्जन के साथ विधि विधान से गौरी का समापन हुआ। जानकारी के अनुसार पुरानी परंपरा के रूप में एक दिन पूर्व गौरी वड़ावन की रस्म हुई, दूसरे दिन वलावन की रस्म के साथ शुभ मुहूर्त में गोरजा माँ की भक्तगणों ने मंगल कर पूजा अर्चना कर गौरी कलाकारों ने मंचन कर एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी। वहीं ग्रामीणों ने पेरावनी की रस्म में माताजी का श्रृंगार धराकर गौरी मुख्य पात्र राई व महादेव व अन्य कलाकारों को सम्मान पूर्वक पेरावनी करवाई। इससे पूर्व रात्रि में बिल समाज के कलाकारों ने देर रात तक शानदार प्रस्तुतियां दी। वहीं विसर्जन शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामवासी शामिल हुए। ग्रामीणों को वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता का महत्व बताया। भारतीय स्टेट बैंक शाखा गजपुर द्वारा ग्राम पंचायत कोयल में वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम हुआ, जिसमें शाखा प्रबंधक नरेंद्र कुमार ने ग्रामीण महिलाओं एवं स्कूल के बच्चों को वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता का महत्व बताया। जिसमें उन्होंने बताया कि आज के युग में इंटरनेट सबके पास आसानी से उपलब्ध हैं, जिससे सभी लेन देन एवं वित्तीय कार्य इंटरनेट के माध्यम से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ इंटरनेट से लोगों में डिजिटल क्रांति आई है, लेकिन आपको इसमें सावधानी बरतने की जरूरत हैं, क्योंकि आज के समय में इंटरनेट में फ्रॉड सक्रिय हैं। ऐसे में आप किसी भी प्रकार का OTP अथवा ट्रांजैक्शन नंबर नहीं बताएं एवं किसी भी प्रकार की लिंक पर क्लिक नहीं करें। अपना मोबाइल और पिन नंबर किसी के साथ साझा न करें और खाते में KYC करने के लिए कोई फ़ोन कॉल आए तो नहीं उठाएं और आप बैंक में जाकर अपडेट करवाएं। इस दौरान कोयल ग्राम पंचायत में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामवासियों एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया।
टीबी मरीज को राशन सामग्री दी। बामाचा ने 6 महीने तक भरण पोषण का लिया जिम्मा। ग्राम पंचायत गदपुर में निश्चय पोषण योजना के तहत दानदाता कुंदन मल जैन ने जिला क्षय रोग निवारण अधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार गजपुर डॉक्टर अंकित डांगी के जागरूकता से प्रेरित होकर गजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाँच में टीबी मरीज मीना कुमारी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मौके पर खाद्य सामग्री प्रदान की। साथ ही बामाचा कुंदन मल जैन ने अगले 6 महीने तक उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी ली। इस दौरान गजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के समस्त कर्मचारियों ने दानदाता का आभार व्यक्त किया। साथ ही टीबी मुक्त हो हमारा गांव अभियान के तहत राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गजपुर में जिला क्षय निवारण अधिकारी हेमंत कुमार बिंदल के निर्देशन में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंकित डांगी द्वारा LHV एवं ANM व आशा सहयोगिनी की टीम गजपुर की भील बस्तियों में घर घर जाकर सर्वे किया। बस्तियों में टीबी स्कैनिंग व संभावित के सैंपल लिए गए। कोवल स्कूल में प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से गणितीय मेला लगा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोवल में प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा संचालित गणितीय मेले का आयोजन हुआ, जिसमें गांव के सभी अभिभावक व माताओं को आमंत्रित किया। विद्यालय के कक्षा 1 से 8वीं तक 130 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें गणित की प्रदर्शनी प्रत्येक काउंटर पर लगाई गई। साथ ही वॉलंटियर द्वारा गणितीय गतिविधियों की में मदद की गई। कार्यक्रम में आओ गणितीय आकृति जाने, आओ अपनी उम्र पता करें, अपना नाम पता करें, संख्या पर निशान लगाएं, आओ पैलेस वैल्यू सीखें, आओ वर्ग के बारे में जानकारी लें। विद्यार्थियों को इसके बारे में विस्तार से समझाया। प्रथम एजुकेशन के कम्युनिटी इंस्ट्रक्शन मोबाइलाइजर कैलाश चंद्र बलाई ने बताया कि कुंभलगढ़ के प्रथम एजुकेशन द्वारा 25 गांवों में गणितीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही प्रथम एजुकेशन सहायक प्रकाश बुनकर ने बताया कि प्रथम एजुकेशन द्वारा आगामी कार्यक्रम संचालित सेकंड चांस प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर का समापन, लोगों को निशुल्क प्रशिक्षण दिया। शहर के चौमुका महादेव मंदिर में जय भगवान एक्यूप्रेशर ग्रुप की ओर से निशुल्क एक्यूप्रेशर चिकित्सा एवं प्रशिक्षण शिविर लगा। 7 दिवसीय शिविर का समापन हुआ। शिविर में नवनीत भाई शाह व उनके सहयोगियों द्वारा साइटिका, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पोंडालाइटिस, अनिद्रा, उच्च एवं रक्तचाप, लकवा, डायबिटीज, अस्थमा, कंधा दर्द, साइनस, माइग्रेन, विभिन्न महिला रोग के मरीज पहुँचे, जिनकी जांच की गई। साथ ही शिविर में आने वाले लोगों को निशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही विभिन्न एक्यूप्रेशर एवं सरल व घरेलू चीज़ों द्वारा सफल इलाज, स्वास्थ्य संबंधित एवं अन्य प्रशिक्षण दिया गया। शिविर में बड़ी संख्या में शहरवासी पहुँचे, जिनको उनकी जाँच की गई और निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया।